हाय फ्रेंड्स, सो दिस इज़ आवर लेक्चर 2 फॉर सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मेथड्स टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन। सो वी हैव टू मेथड्स टू प्रिपेयर आवर कोलॉइडल सॉल्यूशन कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड एग्रीगेशन मेथड। इन डिसइंटीग्रेशन मेथड वी हैव लार्ज साइज पार्टिकल्स ब्रेक इंटू स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैविंग कोलॉइडल रेंज। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन जो कि कोलॉइडल रेंज में आते हैं। दैट इज 10^-9 से 10^-6 जिनका साइज होता है मीटर्स में। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इस मेथड में लार्ज साइज पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कोलॉइडल मिल। कोलॉइडल मिल क्या होती है? कोलॉइडल मिल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। हेयर वी हैव आवर कोलॉइडल मिल, एक हाफ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा हाफ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर आवर कोलॉइडल मिल। अब डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंडर ही हमारा दूसरा मेथड आता है, दैट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल। तो ये मेथड सिर्फ मेटल के कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड में मेटल हुज कोलॉइडल सोल्यूशन हैव टू बी प्रिपेयर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रॉड। तो जिसका हमें कोलॉइडल सोल्यूशन चाहिए उसको हम रॉड के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे इस मेटल को हमें कोलॉइडल सोल्यूशन के रेंज में लाना है तो इसको हमने रॉड के फॉर्म में ले लिया। इसका वन एंड ऑफ द रॉड रिमेन डिप्ड इन वाटर, एक एंड वाटर में है एंड दी अदर एंड कनेक्टेड थ्रू दी बैटरी टर्मिनल। तो दूसरा एंड को हमने बैटरी टर्मिनल से अटैच कर दिया। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एज अ रिजल्ट मेटल स्टार्ट टू वेपराइज, मेटल के वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड दीज वेपर्स डिजॉल्व इन वाटर। वो वेपर्स धीरे धीरे वाटर में डिजॉल्व होने लगेंगे। सो कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ दिस मेटल इज प्रिपेयर्ड। तो मेटल को कोलॉइडल सोल्यूशन में मिल जाएगा क्योंकि हम उस वाटर से मेटल के वेपर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। टू कीप वाटर कूल सिस्टम शुड बी सराउंडेड बाई आइस क्यूब, क्योंकि इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो हमें वाटर को कूल रखना है। सो एज टू कीप वाटर कूल यहाँ पर हमने लगाई हैं आइस क्यूब्स, तो इस वजह से ये काम हो गया आइस क्यूब्स का। नाउ वी हैव आवर थर्ड मेथड कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन मेथड एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलॉइडल सोल्यूशन को बनाने के लिए यूज़ होता है। इन दिस मेथड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड FeCl3 इज ट्रीटेड विद वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमने फेरिक क्लोराइड को वाटर से ट्रीट किया किसी टेस्ट ट्यूब में। एज अ रिजल्ट प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनने लग जाएंगे विच इज़ फॉलोड बाई शेकिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो जब हम टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे तो हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट लार्ज साइज FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल साइज FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स हैविंग कोलॉइडल रेंज। तो हमें कोलॉइडल रेंज में FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स, हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्टेबल है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉमन आयन Fe3 पॉजिटिव ऑन द सर्फेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पर Fe3 पॉजिटिव की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो FeOH होल थ्राइस के सब पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा विच डू नॉट अलाउ अदर पार्टिकल्स टू कम क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से सब FeOH होल थ्राइस पार्टिकल्स में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से वो पास नहीं आ पाएंगे। पास नहीं आएंगे तो वो भारी नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे। सो द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ FeOH होल थ्राइस इज स्टेबल। अब इस रिएक्शन में हमारे पास हुआ क्या है? FeCl3 को जब हमने वाटर से रिएक्ट किया तो हमें मिला है FeOH होल थ्राइस और 3 पार्टिकल्स ऑफ HCl। नाउ एग्रीगेशन मेथड, दैट इज़ आर सेकेंड मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन दिस मेथड स्मॉल साइज पार्टिकल कन्वर्टेड टू लार्ज साइज कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसमें डिसइंटीग्रेशन मेथड में तो हमने देखा था कि छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम ब्रेक कर रहे थे इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हमारे पास छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको हमें लार्ज साइज पार्टिकल्स पे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल डिकम्पोजिशन, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का
कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, दैट इज AS2S3 का। तो यहाँ पर हम आर्सेनिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे H2S से, तो डबल डिकम्पोजिशन होने के बाद हमारे पास आएगा AS2S3, दैट इज़ आर आर्सेनिक सल्फाइड प्लस 3 पार्टिकल्स ऑफ H2। नाउ सेकेंड मेथड बाय रिडक्शन मेथड, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं AuCl3 और इसको हम रिएक्ट कराएंगे SnCl2 से, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा गोल्ड प्लस SnCl4। तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर हमारे गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी और यहाँ पर जाकर वो 0 हो गई है, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा साइज इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर +3 है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं और यहाँ पर 0 है, यानी इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया हुआ है, तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से साइज़ कम होगा, तो लेकिन यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारा रिडक्शन हो रहा है। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। अब ये सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के काम आता है, अब देखते हैं कैसे काम आता है। यहाँ पर हम H2S को रिएक्ट कराएंगे SO2 से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सल्फर प्लस H2O वाटर। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 एंड यहाँ पर हमारी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि एग्रीगेशन मेथड में तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये एग्रीगेशन मेथड में कैसे आ गया, वो इस वजह से आ गया क्योंकि जो सल्फ़र के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंडेंस होके या फिर एग्रीगेट होके एसिड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम एग्रीगेशन मेथड बोलेंगे इसको, क्योंकि सल्फर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, जो सल्फर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन से, एग्रीगेट टू फॉर्म एसिड मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलॉइडल रेंज। अब एसिड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जिनकी कोलॉइडल रेंज है, दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन मेथड। तो इस वजह से ही एग्रीगेशन मेथड में आया, जबकि यहाँ पर साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो हमें उसे प्योरीफाई भी करना होगा। सो वी हैव हियर मेथड्स टू प्योरीफाई आर कोलॉइडल सॉल्यूशन। वी हैव 3 मेथड्स फॉर इट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन दिस प्रोसेस फिल्टर पेपर इज यूज फॉर प्योरीफिकेशन। तो इसमें हम फिल्टर पेपर की यूज़ करेंगे प्योरीफिकेशन के लिए। फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर इज फर्स्ट ट्रीटेड विद जिलेटिन। पहले हम फिल्टर पेपर पर जिलेटिन डालेंगे, जिलेटिन बहुत स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि उसके पोर्स में, फिल्टर पेपर के पोर्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो लेटर ऑन इट इज़ वॉश्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसको हम वॉश कर देंगे फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन से। एज अ रिजल्ट एक्सेस जिलेटिन इज रिमूव्ड, एक्सेस जिलेटिन जो हमारा फालतू जिलेटिन उस पर उसके पोर्स में डिपॉजिट हो गया होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड द साइज ऑफ पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर गेट रिड्यूस्ड। तो इससे हमारा जो फिल्टर पेपर है उसके साइज, उसके पोर्स का साइज रिड्यूस हो जाता है। दिस फिल्टर पेपर इज़ नाउ टर्नड एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो ये ऐसे टर्न, ये अब फिल्टर पेपर कहलाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पास थ्रू दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर, एज अ रिजल्ट इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट, इम्प्योरिटीज निकल जाएंगे जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को इससे पास करेंगे एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन बिकम प्योर। तो ये हो गया हमारा मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ वी हैव सेकेंड मेथड कॉल्ड इज डायलिसिस, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम क्रिस्टलॉइड थ्रू पार्चमेंट पेपर इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो जब हम सेपरेट करते हैं कोलॉइड को क्रिस्टलॉइड में से पार्चमेंट पेपर को यूज़ करके, तो उसे हम बोलते हैं डायलिसिस। तो इन दिस मेथड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज फिल्ड इन अ बैग ऑफ पार्चमेंट पेपर, इसमें हमने ये पार्चमेंट पेपर का बैग है, इसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया एंड इट इज़ डिप्ड इन वाटर, वाटर में डिप किया, एज अ रिजल्ट वाटर एंटर्स इन एंड व्हेन इट कम्स आउट इट टेक्स अवे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जैसे हमने पार्चमेंट पेपर को इसमें वाटर में डिप किया और जब हम इसको निकालेंगे तो वाटर इसकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज को लेके बाहर निकल जाएगा और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योरीफाई हो जाएगा। नाउ वी हैव आवर थर्ड मेथड कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस की पहले तो ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब हमने डायलिसिस कर लिया तो हमें इलेक्ट्रोडायलिसिस की क्या ज़रूरत है। इलेक्ट्रोडायलिसिस की ज़रूरत है, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस।
तो जब हम डायलिसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। और ये मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें चार्ज इम्प्योरिटीज भी सेपरेट आउट हो जाती हैं। इन दिस मेथड चार्ज इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चल जाएगी। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की इम्प्योरिटी है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की इम्प्योरिटी है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाएगी। इट इज़ फास्टर प्रोसेस एज कम्पेयर टू डायलिसिस, और ये फास्टर भी है डायलिसिस के कंपैरिजन में, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। इन इलेक्ट्रो डायलिसिस फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्चमेंट पेपर इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डायलिसिस करेंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस। बाकी प्रोसेस सब डायलिसिस की जैसी रहेंगी, बस यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉड्स लगा दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारी चार्ज इम्प्योरिटीज भी सेपरेट आउट हो जाती हैं। Now on the basis of affinity with dispersion medium we have two types of colloidal solution called as lyophilic colloid and lyophobic colloid. ये हम पढ़ेंगे हमारे next lecture में। Till then bye bye, keep revising your syllabus, and yes you have not yet subscribed and liked this video, so please do subscribe and like this video, and thank you for watching this video till end. Have a nice day. Thank you.